हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज का हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ का डे 6 है। आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के, जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैस्लो के अनुसार निम्न स्तर की आवश्यकता है। अब्राहम मैस्लो ने एक आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने कुल 5 आवश्यकताएं बताई हैं इंसान की, या 5 नीड्स बताई हैं। अब उनमें से निम्न स्तर की आवश्यकता उन्होंने किसको कहा है वो हमें पहचानना है इन ऑप्शंस में से। सम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता या आत्मवास्तविकरण। तो जो सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है वो है सुरक्षा की आवश्यकता, जो कि शारीरिक आवश्यकता के बाद आती है। ओके, बाकी की जो अवस्थाएं हैं वो उच्च स्तर की, और जो आत्मवास्तविकरण की अवस्था है ये आखिरी अवस्था है और ये सर्वोच्च स्तर की अवस्था, अब्राहम मैस्लो ने इसको बताया है। ठीक है, मैस्लो ने शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता को निम्न स्तर का बताया है, क्योंकि यहाँ तक तो सभी पहुँच जाते हैं और ये आवश्यकताएँ लगभग सभी पूरी करते हैं। ओके, बेसिक ये आवश्यकताएँ हैं, बेसिक नीड्स है हर एक इंसान की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, उसके बारे में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से क्या गलत बात है या क्या चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है। तत्स्थान शोध है, यानी ऑन द स्पॉट रिसर्च किया जाता है। तत्कालिक समस्याओं का समाधान इसमें किया जाता है। सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने 1953 में शिक्षा के जगत में इसको स्थापित किया। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जितना हम जानते हैं, बिल्कुल इसमें ऑन द स्पॉट रिसर्च ही की जाती है। तत्कालिक समस्याओं को, यानी कि बिल्कुल तत्कालिक समस्याओं का समाधान ही इसमें किया जाता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं इसके बारे में। सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जी नहीं, इसमें सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आपने एक रूल बना दिया, एक सिद्धांत बना दिया जो सब जगह अप्लाई होगा। एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, कोई स्कूल है जहां पर बच्चे कम जाते हैं, क्योंकि उसका जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, या रास्ते में ऐसा कुछ जंगल या नदी वगैरह पड़ता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते बहुत सारे, तो और बहुत सारे जो जाते हैं वो देरी से पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जब एक्शन रिसर्च किया गया, वहाँ पर जब क्रियात्मक अनुसंधान किया गया, तो यही रीज़न सामने आया कि हाँ, यहाँ का जो रास्ता है वो कठिन है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। तो क्या हम ये सिद्धांत बना देंगे इसका कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि स्कूल का रास्ता कठिन है? ज़रूरी तो नहीं कि हर एक स्कूल का रास्ता कठिन हो, अगर उस स्कूल का रास्ता कठिन है तो हर एक स्कूल में प्रॉब्लम्स के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसमें सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जाता। ओके, तो ये आंसर जो होगा इसका सी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक नेता या मीडिया कर्मी, इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है या कौन सी बुद्धि होती है? तो ये जो क्वेश्चन है यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से या मल्टीपल इंटेलिजेंस से पूछा गया है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल, दूसरा है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या इंट्रापर्सनल, तीसरा है भाषात्मक बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, और चौथा है संगीतात्मक बुद्धि या जिसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा इंटरपर्सनल या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनमें दूसरों को समझने की बुद्धि होती है। ये अच्छे से जानते हैं कि सामने वाला किस किस्म का इंसान है, उसको कैसी बातें पसंद आएगी, उसे कैसी बातें ना पसंद आएगी, और ये उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं या उसी हिसाब से कार्य करते हैं। ओके,
हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने शुरुआत में बुद्धि जो है उसके 7 प्रकार बताए थे, या 7 प्रकार में उसको विभाजित किया था। फिर उन्होंने संशोधन किया और एक प्रकार और जोड़ा इसमें प्राकृतिक बुद्धि के नाम से, प्राकृतिक बुद्धि और ऐड किया। फिर एक बार और उन्होंने संशोधन किया अपने सिद्धांत में और एक और बुद्धि का प्रकार जोड़ा जिसे हम अस्तित्ववादी या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, तो कुल अगर हम आज की बात करें तो आज हार्वर्ड गार्डनर के इस सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए हैं। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वालीनता या डाउन सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है या भोजन विकृति है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक होता है बुलीमिया नर्वोसा। आज एक शॉर्ट वीडियो आएगा उसमें ये आप क्लियरली समझ जाएंगे, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व निम्न में से किसको देना चाहिए? अभिभावकों के मत को, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को, शिक्षक के निर्णय को, या समुदाय के विचार को? तो जैसा कि हम जानते हैं, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे समुदाय हो, इनकी कही हुई बातों से हम किसी को प्रतिभाशाली घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, आत्मनिष्ठ होगा। यहाँ पर इन तीनों के कहीं ना कहीं अपने विचार इन पर हावी होंगे, बालक को प्रतिभावान बताने या ना बताने में। तो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है या एग्जाम्पल होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का परिणाम। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं उनके द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई बालक प्रतिभावान है या प्रतिभावान नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट वो देते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट वो देते हैं। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।